दोस्तों हाल ही में हुए एक रिसर्च से पता चला है कि एक इंसान दिन में एवरेजली 6 घंटा अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल करता है। अब जाहिर सी बात है कि इन 6 घंटों में ज्यादातर आप इंटरनेट पर अलग अलग तरह के वीडियोस देखते होंगे, जिनमें से अधिकतर लोग कभी भी कोई भी वीडियो देख सकता है। फिर भी दोस्तों आप चाहे जितनी वीडियोस क्यों न देखें, ऐसे बहुत सी चीजें मिस हो जाती हैं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर चाहे वो पिघलती हुई कार हो या फिर एक रोबोट और इंसानों की आमने सामने की मुकाबला। और तो और बर्फ से भरी दुनिया तो कुछ कम शानदार नहीं है। ऐसे में दोस्तों बिना एक पल देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो बैंड आइसलैंड। दोस्तों टिकटॉक से लेकर पबजी बैन होने की खबर आपने सुनी चुके होंगे। ऐसे में अब आप इस बैन आइलैंड के बारे में सुन लीजिए, जहां पर किसी भी इंसान को जाने की इजाजत नहीं है। आप बोलेंगे कि भला ये क्यों, तो दोस्तों हम आपको बता दें, इस आइलैंड में कई तरह के जहरीले सांप मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस गोल्डन स्नेक, और इसके अलावा आपको यहाँ पर कई सारे खतरनाक सांप देखने को मिल जाएंगे, जिनकी संख्या करोड़ों में है। यानी इस आइलैंड पे आपके हर एक बढ़ते कदम के साथ आपको सांपों का ढेर देखने को मिल जाएगा। ऐसे में कोई भी कभी भी यहाँ नहीं जाना चाहेगा जो अपनी जान को इन सांपों के हवाले करने के लिए इस आइलैंड पर जाए। इसी वजह से किसी को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है, और यहाँ पर इतने सारे सांपों की संख्या को देखकर इस आइलैंड का नाम स्नेक आइलैंड पड़ गया। कार वेंडिंग मशीन। कार खरीदना अपने आप में बहुत बड़ी बात तो है ही, लेकिन जब आप कार वेंडिंग मशीन से अपनी कार खरीदने जाते हैं तब आपके जलवे कुछ और ही होते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने वेंडिंग मशीन का सिस्टम तो कई बार सुना होगा, जिसमें क्वाइन डालते ही चीजें बाहर निकल आती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सिक्के डालने से असली की चलती फिरती कार भी निकल सकती है? हाँ, उसके लिए आपको पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, साथ ही साथ कार की पेमेंट भी देनी होगी। लेकिन कार की डिलीवरी आपके घर पर नहीं होगी, बल्कि आपको खुद करवाना कार वेंडिंग में शोरूम में जाकर अपनी कार रिसीव करनी होगी, जिसके लिए आपको एक स्पेशल क्वाइन मिलेगा। और जैसे आप उस क्वाइन को मशीन में डालेंगे, आपकी कार अलग अलग प्लेटफॉर्म से होती हुई शोरूम में डिलीवरी स्पॉट तक आएगी, और फिर आप बिल्कुल एडवांस तरीके से अपनी कार डिलीवरी ले पाएंगे। श्रेडिंग मनी। दोस्तों अगर हम आपसे कहें कि हर रोज 6 मिलियन डॉलर्स को श्रेड यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? हमें पता है आप में से अधिकतर लोगों को यही लग रहा होगा कि हम पागल हो गए हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, ऐसा वाकई में होता है। क्योंकि यूएस के कई सारे रिजर्व बैंक में जब नोट खराब हो जाते हैं या फिर लोग अपनी फटी चिथड़ी नोट को बैंक में एक्सचेंज कराने जाते हैं, तो उनके पास काफी सारे खराब नोटों का कलेक्शन मौजूद होता है जो कि मिलियन डॉलर्स में होता है। और अब जाहिर सी बात है, इन खराब नोटों की सेम नंबर की नोटें बनाई जाती हैं, इसलिए इनका कोई भी काम नहीं होता, जिस वजह से इन्हें श्रेडिंग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन उनका इस्तेमाल अर्बन फार्मिंग के लिए टमाटर को उगाने में किया जाता है, जहां इन नोटों के टुकड़ों को खाद की तरह इस्तेमाल करके फार्मिंग करने का काफी इंप्रेसिव तरीका निकाला जा चुका है। एलिफेंट आर्टिस्ट। अब ये बात तो हम सभी को पता है कि हाथी कितने ज्यादा होशियार होते हैं, जो इनका दिमाग तेज तो होता ही है, उसके अलावा एक काफी सोशलाइज्ड जिंदगी भी जीते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि हाथी पेंटर भी बन सकता है? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं, ये एलिफेंट एक दूसरे एलिफेंट की तस्वीर बना रहा है, और ये अकेला ऐसा नहीं है जिसे पेंटिंग का शौक है, क्योंकि अगर इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो ये काफी माहिर पेंटर भी बन सकते हैं, जो आप इनकी पेंटिंग करने के तरीके से देख सकते हैं। ऐसे में कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि अगर ये एलिफेंट इसी तरह शानदार पेंटिंग बनाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों को आर्ट एग्जीबिशन में एलिफेंट की पेंटिंग्स देखने को जाना पड़ेगा। सिटी ऑफ आइस। वैसे क्या आप लोगों ने सोचा है कि बिल्कुल बर्फ की दुनिया में पहुंच जाए, जहां सब कुछ बर्फ से बना हो? जी हाँ, बर्फ गिरकर एक जगह इकट्ठा होना अलग बात है, और एक पूरा शहर बर्फ से बनना एक अलग बात। अगर आप इस तरह की कोई शहर देखना चाहते हैं, तो आपको तुरंत चाइना का रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर सर्दियों के मौसम में आर्बिन इंटरनेशनल स्नो एंड आइस फेस्टिवल में तरह तरह के बर्फ से बने स्कल्पचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि बर्फ से बनी ये पूरी दुनिया की तरह लगता है, जहाँ पर आपको बर्फ से बने घर और महल के साथ साथ ऐसी बहुत सी चीजें दिखने को मिलेंगी जिन्हें शायद आप लोगों ने कभी देखा होगा। यानी कि अगर आप वहाँ पहुँच गए
तो दिन के समय में ही यहाँ का नज़ारा आपको अद्भुत लगेगा ही, लेकिन रात के समय लाइटिंग के साथ बर्फ की दुनिया आपका दिल जीत लेगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि एक तो जगह चाइना में है, दूसरी यहाँ पर ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जिसे झेलना नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है। ऐसे में आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस शानदार नज़ारे के लिए चाइना जैसे देश जाना पसंद करेंगे, क्योंकि हम तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बता दें। मेल्टिंग कार्स, आप चाहे जैसा इंसान क्यों ना हो, लेकिन झुलचा देने वाली गर्मी किसी को पसंद नहीं होती। फिर चाहे आपके दोस्त यार जितना भी क्यों ना बोलते हो कि गर्मियों में छुट्टियां मनाने का मजा कुछ और ही है, ऐसे में दोस्तों सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी महंगी महंगी गाड़ियों को भी झुलसा देने वाली गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे में कई बार तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है कि कार भी पिघलना शुरू हो जाती है। हमें पता है नज़ारा आपकी आंखों को खटका जरूर देगा, लेकिन दोस्तों ये तस्वीर वाकई में सच्ची है, क्योंकि कई बार गर्मी से ये गाड़ियों की बैंड बढ़ जाती है। अंडर वाटर पिज्जा डिलीवरी मैन, दोस्तों क्या हो जब आप 21 फीट अंडर वाटर होटल में मौजूद हो और आपका अचानक से पिज्जा खाने का मन कर जाए। हमें पता है नॉर्मल परिस्थितियों में ये चीज संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोग वाकई में सुपर हीरो की तरह सब कुछ संभव करने के लिए आ जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रॉब डॉयल है, जो कि अंडर वाटर होटल्स में पिज्जा डिलीवरी करने का काम करते हैं। असल में ये एक स्कूबा स्ट्रक्चर है, लेकिन एक दिन इन्हें एहसास हुआ कि जब अंडर वाटर होटल्स बन सकते हैं तो यहाँ पर फूड डिलीवरी से लेकर बाकी चीजों तक पहुँचाने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा, और इसी वजह से इन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाते हुए अंडर वाटर पिज्जा डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। और अब एक काम भारी पैमाने पर पूरी दुनिया में होता है, जिसका ट्रेंड इन्होंने शुरू किया, कार फ्रॉम द फ्यूचर। दोस्तों अगर आपको शानदार गाड़ियों का शौक है तो हमें पूरा विश्वास है कि ये कार आपको ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि मर्सिडीज बेंज ने डिसाइड किया है कि वो एक ऐसी लग्जरियस कार बनाकर तैयार करेंगे जो हॉलीवुड मूवी अवतार से इंस्पायर्ड होगी। जहां मर्सिडीज पूरी तैयारी में है, वो एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक कार को बनाएंगे जिसके अंदर आपको लग्जरी के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी तड़का लगता हुआ दिख जाएगा, जहां ये कार बिल्कुल लिविंग क्रिएचर की तरह दिखाई देगा और इसकी लाइटिंग सिस्टम भी बहुत एडवांस होगी। उसके अलावा ये कार पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगी, यानी कि आपको बस इसमें बैठने की देरी है। बाकी ये कार अपना काम बहुत अच्छे से जानती है। अगर मर्सिडीज बेंज ने शानदार कार को बनाकर तैयार कर लिया तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वाकई तहलका मच जाएगा। रोबोट समुराय, हाँ दोस्तों, माना कि आज की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस होगी, ऐसे इंसानों ने ऐसे से रोबोट बनाकर तैयार कर दिए हैं जो किसी भी चीज को करने के सक्षम हैं। लेकिन क्या रोबोट इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि वो इंसान को हरा सके? वेल, इसी चीज को टेस्ट करने के लिए 5 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इसाओ माची के साथ एक रोबोट का कंपटीशन करवाया गया, ताकि ये पता किया जा सके कि किसकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। ऐसे में पुराने समय से चले आ रही तलवारबाजी की प्रथा के सामने एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन की एफिशिएंसी को टेस्ट किया जा रहा था, जिसके लिए अलग अलग तरह के लेवल्स में, और अंत में वाकई में ये बता पाना मुश्किल था कि किसकी जीत हुई, क्योंकि साओ माची ने तो शानदार परफॉर्मेंस दी लेकिन रोबोट भी कहीं से कम नहीं था। ऑक्टोपस इन ए जार, दोस्तों अगर किसी को भी कहीं बंद कर दिया जाए तो ये इंसान पैनिक करने लगेगा, और अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो आपको बता दें, आपको ऑक्टोपस से काफी कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऑक्टोपस को जार के अंदर बंद कर दिया जाए तो ये बड़ी आसानी से खुद को बाहर निकालने की पूरी क्षमता रखता है, जहां इसके अंदर इतना दिमाग होता है कि बंद ढक्कन को भी अपनी लचीली बॉडी से खोलकर बाहर निकल आता है। ऐसे में अगर आप कभी भी ऑक्टोपस को जार में बंद करके कहीं ले जाना चाहते हैं तो इस तरह की गलती मत करना, क्योंकि आपको चकमा देने का एक वो मौका नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी ज्यादा एडवांस होती है और इनका ब्रेन काफी तेजी से चलता है। तभी तो इस ऑक्टोपस ने जार को एक मिनट से भी कम समय में खोलकर सभी को हैरान कर दिया। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।